हेलो गाइस, एग्जाम आइडिया की अगली सीरीज में आज हम नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को आज हम आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस चैप्टर की जो टाइटल है उसका मीनिंग और इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पर हम छोटा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले बात आते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट मीन्स खो जाना, स्प्रिंग मीन्स बचपन का खो जाना या बचपन का गुम हो जाना, इस तरह से इसका मीनिंग लगाया जाता है। और इस चैप्टर के अंदर जब हम इस चैप्टर को डीपली स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम दो मेन कैरेक्टर्स जो इस बुक के अंदर दिए गए हैं हाईलाइट किए हैं। पहला मेन कैरेक्टर है साहिब आलम और दूसरा कैरेक्टर है मुकेश। वैसे तो साहिब आलम के जो पेरेंट्स हैं बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर क्या फ्लड आ गई थी या कोई स्टॉर्म आ गया था, उसकी वजह से इन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था। और कहा दिल्ली के पास एक सीमापुरी एरिया है, उस दौरान मतलब 1971 के आसपास की बात है, तो उस दौरान सीमापुरी एरिया क्या था, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया आप कह सकते थे। मतलब इतना जो आज की कंडीशन सीमापुरी की, ऐसी कंडीशन पहले नहीं थी, एक वीरान एरिया माना जाता था। और यहाँ पर क्या था, डस्ट जो गार्बेज होता था उसको लाकर डाल दिया जाता था। तो यहाँ पर बड़े बड़े गार्बेज के डंप्स थे, मतलब जो बड़े बड़े ढेर बने हुए थे वे ढेर थे, और उन्हीं के बीच कुछ रिफ्यूजी जो माने जाते हैं बांग्लादेश से या इधर उधर से जो आए हुए लोग थे, रिफ्यूजी उनको कहा जाता था, वे यहाँ पर रहते थे। उन्हीं में से एक साहिब आलम नाम का लड़का, यंग बॉय, उसकी फैमिली भी रहती थी, क्योंकि गरीब थे पॉवर्टी के कारण, और उनकी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, उसके कारण साहिब आलम को क्या बनना पड़ जाता है, एक रैग पिकर बनना पड़ जाता है। और ऐसे एक साहिब आलम नहीं थे, लगभग 10,000 बच्चे जो सीमापुरी एरिया था उसमें 10,000 फैमिली के 10,000 बच्चे एक रैग पिकर के रूप में कार्य कर रहे थे। रैग पिकर जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको रैग पिकर कहा जाता है। और वे डेली मॉर्निंग होते ही अपने काम पर निकल जाते थे और दोपहर तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब गार्बेज टू गार्बेज या डम्प्स टू डम्प्स, एक दूसरी जगह से अपना गार्बेज को कलेक्ट करते हुए, जो उसमें से गार्बेज उनके जो इम्पोर्टेंट था, जो उनके यूज का चीज़ होती थी उसको इकट्ठा कर लेते थे, उसको बेचकर वे अपनी आजीविका चलाते थे, किस तरह से वे सर्वाइव करते थे। यहाँ तक कि उनकी जो फैमिलीज थी, उनकी फैमिली की कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी, सिर्फ एक राशन कार्ड उनके पास होता था, जिसके बलबूते वोटर कार्ड या राशन कार्ड, जिनके बलबूते उनको राशन मिल जाता था और अपनी वोट में डालते थे, मतलब पॉलिटिक्स के पर्पज से में काम में इस्तेमाल किए जाते थे वोट डालने के रूप में। इसके बाद एक जो नेक्स्ट कैरेक्टर है मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, और इसकी जो फैमिली है वो भी क्या है, एक बंगाल मेकर है फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद बंगाल इंडस्ट्री के लिए, ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और इसकी फैमिली क्या है, ग्लास इंडस्ट्री की फैक्ट्री जो होती है वहाँ की, ग्लास इंडस्ट्री, उसमें काम करते हैं। हालांकि इसका जो एक निश्चय है, इसका जो इरादा था, ये था कि मैं बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बनूँ, अपना एक गैराज खोलूँ और एक ड्राइविंग करूँ, ये इसका ड्रीम था। लेकिन क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी एंड बैड कंडीशन ये इस चीज़ को नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, जो ट्रेडिशनल इनका जो वर्क होता है, ट्रेडिशनल वर्क क्या है, जो बंगाल मेकिंग का, उसी को ही अपना लेता है और उसी में ये काम करने लग जाता है। साहिब आलम और मुकेश दोनों के ड्रीम्स हैं, दोनों की अलग अलग इच्छाएं हैं। साहिब आलम मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और इसकी जो ड्रीम्स हैं वो क्या है, इसकी ड्रीम्स खेलना, स्कूल जाना, एंटरटेन करना दोस्तों के साथ, ये इसकी ड्रीम्स हैं। और मुकेश की ड्रीम मैंने आपको बताया कि क्या, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, आप एक गैराज खोलना चाहता है और ड्राइवर भी बनना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों की ड्रीम्स अलग अलग हैं। दोनों की फैमिली क्या है, पुअर है। दोनों की फैमिलीज क्या है, दोनों पुअर कंडीशन से जूझ रही है, दोनों की कंडीशन क्या पुअर है। अब हम जो इस चैप्टर के जो मेन से
क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज साहिब आलम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया साहिब आलम वॉज ए आंसर। साहिब आलम क्या है, साहिब आलम वॉज ए यंग बॉय। साहिब आलम एक युवक है, साहिब ए आलम वॉज ए यंग बॉय। एंड ही लिव्स, कहां रहता है वो, इन सीमापुरी। और सीमापुरी कहां पर, दिल्ली। वो कहां पर रहता है, वो सीमापुरी में रहता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम इस आंसर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साहिब आलम मींस क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा। इसका मतलब क्या है, पूरे ब्रह्मांड का राजा इसका मतलब है। फिर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। साहिब आलम वॉज ए यंग बॉय, युवक है। साहिब आलम क्या है, यंग बॉय है, यंग बॉय मीन्स एक युवक है। ही लिव्स इन सीमापुरी, वो कहाँ रहता है, सीमापुरी में वो रहता है। और आगे इसमें बढ़ाया हमने, साहिब आलम मीन्स जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड। लेकिन एक फैक्ट है यहाँ पे, बट क्या है, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, क्या नहीं जानता, द मीनिंग ऑफ हिज नेम, वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्यों नहीं जानता, बिकॉज ही इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है, है? तो आगे क्या करती है, आगे इसमें हम थोड़ा सा अगर चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं और चाहते यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या करता है, उसको सर्वाइव करना पड़ता है, क्या करने के लिए, ही क्या, ही इज ए रैग पिकर, एंड स्क्राउनिंग द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप क्या होता है, डंप मीन्स होता है ढेर, गार्बेज का, कूड़े के जो ढेर हैं उनको क्या करता है वो, उन पर उन्हें तलाश करता है, उनको उन्हें उनको क्या करता है, उनमें खोज करता है, कुछ ना कुछ उनको क्या करता है, ढूंढता रहता है, उनमें से स्क्राउनिंग करता रहता है, गार्बेज डंप्स को, डंप्स मीन्स ढेर, जो कूड़े का बहुत सारा ढेर हो जाता है, उन्हें उनमें ढूंढता रहता है, ठीक है। किसके साथ में, किसके साथ, विद ए ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड्स, अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ क्या करता है, वो गार्बेज में ढूंढता रहता है, क्या ढूंढता है। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और लगभग हर साल हर बार ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है, कभी इस रूप में, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कई बार ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में करके पूछ लिया गया है। और क्वेश्चन क्या है, इज साहिब आलम हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब आलम टी स्टॉल पर कार्य करता हुआ खुश है या खुश था, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। अगर प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, और करके ऐसे भी आ सकता है, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट टी स्टॉल, क्या आप समझते हैं कि साहिब आलम टी स्टॉल पर काम करता खुश था। नेक्स्ट ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट डज द राइटर मींस, राइटर का क्या अर्थ है, When she says, जब वो कहती है साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर,
कि साहेब अपना खुद का अब क्या है, मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है, मींस वो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है, ऐसा क्यों कहती है? या वो ऐसे भी कहती है, व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन डू यू फाइंड, आपको मिलते हैं इन साहेब लाइफ, साहेब की लाइफ में आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या परिवर्तन मिलते हैं when he stops रैग पिकिंग, जब वो कूड़ा बीनने का कार्य बंद कर देता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग एट ए टी स्टॉल, और एक टी स्टॉल पर काम करना आरंभ कर देता है। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और इनका आंसर बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या आंसर है देखिएगा, इस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का दे रहा हूं। पहला लिखेंगे नो, नहीं, साहिब आलम क्या था, बिकॉज ही वॉज ए चाइल्ड, ठीक है, एंड बीइंग ए चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते क्या करता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, ही वॉन्ट्स टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, ये सब चीजें एक बच्चा होने के नाते उसको पसंद थी, लेकिन वो क्या था, एक रैग पिकर के रूप में कार्य कर रहा था, एंड बीइंग ए रैग पिकर, एक रैग पिकर कूड़ा बीनने वाला होने के नाते भी हम कह सकते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था, वो किसी की स्वतंत्रता का, मतलब किसी की उसका ऑर्डर का या किसी की नौकरी का मोहताज नहीं था, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, सेल्फ डिपेंडेंट था। तो यहां तक क्या था, जब वो काम करता है, नौकरी करता है, तो वो क्या था, नो, क्या लिखेंगे, साहेब, नो नहीं, क्या अब क्या है, साहेब इज नॉट हैप्पी, क्योंकि आंसर इसके अकॉर्डिंग, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्या साहेब इज नॉट हैप्पी, क्यों नहीं है खुश है, मैंने बताया साहेब इज नॉट हैप्पी, वर्किंग एट टी स्टॉल, यहीं से लिखेंगे वर्किंग एट टी स्टॉल, एट टी स्टॉल, ठीक है, कार्यकर्ता बिल्कुल भी खुश नहीं है, हालांकि ऑल दो, हम ये भी लिख सकते हैं ऑल टी एच ओ यू एच, ऑल दो ही इज पेड, ही इज क्या, उसको क्या, हालांकि उसको क्या है, हालांकि ही इज बीइंग पेड, क्या उसको, हालांकि उसको क्या है, ₹800 क्या है, ही इज बीइंग पेड ₹800 एंड गेटिंग ऑल हिज मील, क्या है, एंड गेटिंग ऑल हिज मील, ठीक है, और उसका खाना भी उसे प्राप्त होता, क्या, नो नहीं, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब बिल्कुल भी खुश नहीं है, वर्किंग कार्य करते हो एट स्टॉल, चाय की दुकान पर, चाय की दुकान पर साहेब काम करता, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऑल दो हालांकि, ऑल दो हालांकि ही इज पेड, ही इज बीइंग पेड, हालांकि उसको पेड किया जाता है, दिया जाता है, क्या दिया जा रहा है, ₹800 उसको पे किए जाते हैं, और ही नहीं, एंड गेटिंग ऑल हिज मील, और उसका सारा खाना भी उसको पे किया जाता है, ठीक है, फिर भी वो क्या खुश नहीं है, बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक, क्या कर दिया उसने, अपनी आजादी खो दी है और केयर फ्री क्या करते है? उसने चेहरे की जो लुक थी, उसकी चेहरे का जो उसकी जो मुस्कान थी, स्वतंत्रता थी, वो भी उसने क्या कर दिया, खो दी है। और आगे क्या कहते हैं, सो यह इसने कहा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, यहां पे लिखा है ऑन, सो ही इज, सो द, यहां लिखा ना, सो द राइटर सेज साहेब इज नो, ठीक है, लॉन्गर
हिज ओन मास्टर। कि साहेब आप अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बड़ा ही क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है बड़ी इजी है, और जैसे क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। यहां इसने पूछा क्या साहिब आलम चाय की दुकान पर काम करता खुश था या खुश है। नो, हमने कहा नहीं, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ऑल्दो हालांकि ही इज बीइंग पेड 800 रुपी एंड गेटिंग ऑल हिज मील। हालांकि उसको खाना और 800 रुपये दिए जाते हैं लेकिन वो फिर भी चाय की दुकान पर काम करता खुश नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज क्योंकि ही हैज लॉस्ट, उसने खो दी है हिज फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। एंड केयर फ्री लुक, और उसने क्या अपना जो चेहरे की मुस्कान थी वो भी अपनी स्वतंत्रता चेहरे की मुस्कान उसने खो दी है। अब ये कहते हैं जो उसने क्वेश्चन मंगा, सो द राइटर, इसलिए राइटर सेज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। चीज को आगे बढ़ाते हुए लेसन का थर्ड क्वेश्चन, और इस चैप्टर में जब हम स्टार्टिंग में ही इसके दो कैरेक्टर्स उन पर डिस्कस कर रहे थे, तो दो कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर मुकेश और एक कैरेक्टर क्या था आपका साहिब आलम। साहिब आलम के बारे में हमने क्वेश्चन का आंसर भी लिखा, अब हम मुकेश के बारे में लिख रहे हैं। दोनों क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड इसलिए किए हैं कभी कभी साहिब आलम और मुकेश दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों का कंपेरिजन आ जाता है। तो अगर दोनों का कंपेरिजन आ गया तो एक बार साहिब आलम को पढ़ लो, एक बार मुकेश को पढ़ लो, दोनों की ही बातों को मिक्स करके आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आप साहिब आलम के बारे में लिख रहे और मुकेश के बारे में लिख रहे, तो साहिब आलम का हेडिंग डाल के साहिब आलम के बारे में लिख दीजिएगा, मुकेश की बात है तो मुकेश का हेडिंग मुकेश हेडिंग डालकर उसके बारे में लिख दीजिए, दोनों का कंपेरिजन साथ साथ ही हो जाता है। इस तरह से आपके जो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर कंपेरिजन का आएगा तो क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ा रहे हैं, वॉज मुकेश, मुकेश कौन था एंड वॉट वॉज हिज ड्रीम्स, और उसकी जो इच्छाएं थी उसके जो सपने थे वे क्या थे। तो यहां पर इसका आंसर हम लेते हैं, मुकेश वॉज द सन ऑफ ए बेंगल मेकर, वॉज द सन ऑफ ए बेंगल मेकर, क्या क्या बेंगल मेकर, जो चूड़िया बनाने वाला होता है इसको बेंगल मेकर कहते हैं। मुकेश वॉज द सन ऑफ बेंगल मेकर, बेंगल मेकर का क्या था, वो बेटा था। ही लिव्स इन फिरोजाबाद, वो कहाँ रहता था, फिरोजाबाद में रहता है। और फिरोजाबाद कहाँ स्थित है, यूपी में है। फिरोजाबाद इज ए फेमस एरिया, फिरोजाबाद इज ए फेमस सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, और किससे के किस उससे फिरोजाबाद फेमस है। इट इज ए हब ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री क्या है, कोई हब है, तो फिरोजाबाद में वो रहता है। और अब बात आती है इसके ड्रीम्स की, तो क्या है, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता है वो, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और एक और भी है मोटर मैकेनिक के साथ साथ, क्या है वो, और वो एक अपना गैराज भी खोलना चाहता है। मतलब मोटर मैकेनिक तो बनना ही चाह रहा है और इसके साथ साथ वो एक गैराज भी खोलना चाह रहा है। CHANIC मोटर मैकेनिक, ठीक है। एंड वॉन्ट्स टू ओपन ए गैराज, ठीक है, क्या करना चाहता है वो, एक गैराज भी खोलना चाहता है। तो ये उसकी एक इच्छा थी, उसकी ड्रीम्स थी, क्यों खोलना चाहता है, इसके पीछे भी एक रीजन था। इसके पीछे क्या रीजन था, क्या रीजन है, ही वॉन्ट्स, क्या था रीजन, ही वॉन्ट्स टू ब्रेक
अभी वह तोड़ भगाना चाहता था, क्या तोड़ना चाहता था, किस चीज को तोड़ना चाहता था, क्या चीज थी ऐसी जिसको वो नफरत करता था, क्या फ्रॉम द ट्रेडिशन, ही वॉन्ट्स टू ब्रेक अवे द ट्रेडिशन। Of bangle making. ठीक है, क्या वो bangle making की कांच के उद्योग, कांच से related जो चूड़ियां बनाने का काम था उसकी tradition को वो क्या तोड़ना चाहता था। And एक और चीज थी, he was different था, ये एक different था जो अलग, जो bangle maker थे उनसे क्या था, बिल्कुल ही अलग था और इसकी इच्छाएं जो है बिल्कुल अलग थी और इसकी जो वो कोशिश थी कि एक ट्रेडिशन थी वहां पर कि बैंगल मेकिंग का सन बैंगल मेकर ही बनेगा, कि बैंगल जिसने जो ये क्या करते थे, इसको परंपरा ट्रेडिशन मानते थे और इसी ट्रेडिशन को वहां पर कई सालों से, काफी वर्षों से चल रहा था ये ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता था, इसलिए वो क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और एक गैराज खोलना भी चाहता था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा तब भी नहीं है और इतनी टिपिकल इसकी लैंग्वेज भी नहीं है। तो सीधा सा मुकेश वॉज द सन, मुकेश वॉज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर। ठीक है, एक मुकेश बैंगल मेकर का क्या बेटा था, ही लिव्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में वह रहता था। He wants to become a motor mechanic and wants to open a garage. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और एक गैराज भी खोलना चाहता था। यहाँ कर सकते हैं टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, wants to a garage too. He wants to break away, वह तोड़ना चाहता था the tradition of bangle making. वो bangle making की जो tradition थी, परंपरा थी, उसको क्या करना चाहता था, वो तोड़ना चाहता था। अच्छा, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है और इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसको कहा जाए तो मैं समझता हूं गलत नहीं होगा। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ, हैजर्ड्स एक बार यूज किया गया है यहां पे, हैजर्ड्स, हैजर्ड का मतलब होता है नुकसान। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, मेंशन दर्शाओ द हैजर्ड्स नुकसान ऑफ वर्किंग, कार्य करने के इन द ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में कार्य करने के जो नुकसान है उनको मेंशन कीजिए, उनको दर्शाइए। या हाउ डू द चिल्ड्रन बिकम द विक्टिम, विक्टिम कहते हैं किसको, गवाह, सबूत। हाउ डू द चिल्ड्रन बिकम द विक्टिम ऑफ लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, बच्चे अपनी आंखों को, आंखों की चमक खोने की किस तरह से सबूत या किस तरह से इनको माना जा सकता है, क्या ऐसे भी कहता, व्हाट इज द कंडीशन, क्या स्थिति है ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग, कार्य करने वाले बच्चों की, इन द ग्लास फर्नेस, एक वर्ड हो रहा है फर्नेस में तो होता है भट्टी, भट्टी, ठीक है, भट्टी जिसमें आग जलती है, इन ऑफ फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में जो भट्टियों पर काम करने वाले बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसका आंसर एक ही है और उसका आंसर लिखना इस तरह से है, और मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन माना गया है, बहुत खास क्वेश्चन है जो अब इस तरह से हम इसको लिखने जा रहे हैं। आंसर इसी में से हमें लिखना है, आंसर है चिल्ड्रन वो वर्क का, बच्चे जो कार्य करते हैं इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें जो बच्चे कार्य करते हैं ऑफन प्रायः है लॉस खो देते हैं देयर आई साइट एवन बिफोर एडल्ट, एडल्ट युवक, नव युवक होने से पहले ही, एवन बिफोर नवयुवक होने से पहले ही आई साइट के है आंखों की चमक खो देते हैं, है ना, ऑफन प्रायः लॉस देयर आई साइट, अपनी आंखों की चमक खो देते हैं
बिफोर एडल्ट्स युवक होने से पहले, जवान होने से पहले भी अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। ठीक है, ये फिर एक बात कहता है, चिल्ड्रन हु वर्क इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफन लॉस देयर आईसाइट एवन बिफोर द बिफोर एडल्ट्स। बच्चे जो कांच बनाने, कांच की चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, वे जवान होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। मोर देन 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन वर्क कार्य करते हैं इन ग्लास इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो ग्लास इंडस्ट्री है, कांच के जो उद्योग है, उसमें लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे, 20,000 से ज्यादा बच्चे क्या है, कार्य करते हैं। दे वर्क में कार्य करते हैं अराउंड फर्नेस, भट्टी के चारों ओर। फर्नेस क्या है, भट्टी। ठीक है, वे भट्टी के चारों ओर कार्य करते हैं इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ही इन हाई टेम्परेचर, बहुत ही उच्च तापमान में टू वेल्ड ग्लासेस, ग्लास को जो वेल्ड किया जाते हैं, उनको ग्लास को वेल्ड करने के लिए भी बहुत ही उच्च तापमान में, जो भट्टी का बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर आके हैं, दे वर्क में कार्य करते हैं इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स होती है एक अंधेरी सेल, मीन्स होता है कोठी, अंधेरी कोठी, अंधेरा कमरा। दे वर्क में कार्य करते हैं इन डिंगी सेल्स, एक बंद कोठे में, विदाउट, बिना लाइट एंड एयर, जो बिना रोशनी के और बिना प्रकाश की होती है। वे एक ऐसी कोठी में कार्य करते हैं, ऐसे कमरे में कार्य करते हैं जिसमें ना रोशनी होती है और ना ही हवा होती है। देवक वे कार्य करते हैं, वे कार्य करते हैं ऑल डे लॉन्ग, लंबे समय तक, वे लंबे समय तक दिन में कार्य, वे दिन में लंबे समय तक कार्य करते हैं। देयर आईज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्ट, उनको अधिक सामंजस्य बिठाना पड़, एडजस्ट मीन सामंजस्य बिठाना पड़ता है, उनकी आंखों को अधिक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, कहीं भी बिठाना पड़ता है। देयर आईज मोर आर मोर एडजस्ट, उनकी आंखों को अधिक एडजस्ट करना पड़ता है टू द डार्क, अंधकार के अपेक्षा। ठीक है, उनको अंधकार में अधिक एडजस्ट करना पड़ता है किसको, देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा उन्हें अंदर जो डार्क होता है उसमें अधिक क्या करना पड़ता है, सामंजस्य एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे कहते द डस्ट, डस्ट मीन्स जो धूल होती है फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करने के बाद जो पॉलिश की जाती है उसकी जो धूल होती है, द ग्लास बैंगल्स, कांच की जो चूड़ी है तो उसको पब्लिश करने में, उसको चमकाने में जो उसकी धूल होती है, ऑल्सो एड्स, वो शामिल करती है द रिस्क, रिस्क मीन्स खतरा, ऑफ बिकमिंग ब्लाइंड, अंधा होने का। कांच को पॉलिश करने में उसकी जो चमक होती है, उसका जो डस्ट होता है, वो अंधा करने में, आंखों की रोशनी खो देने में और अधिक उसका क्या है, रिस्क है, जोखिम हो जाता है, जोखिम को वो और भी बढ़ा देती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें, कई बार रिवाइज करें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, 100% ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को लाइटली मत ले। इस लेसन के दो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी का जो पहला जो क्वेश्चन कराया गया था साहिब आलम का, वो साहिब आलम का, और जो तीसरा क्वेश्चन कराया था मुकेश का, वो, ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, दोनों जो इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को हाईलाइट करने के लिए ये दो क्वेश्चंस कराए गए थे। बाकी ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करें, भली भांति करें, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह इनको रिवाइज करें, और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमने जो वीडियो जारी की है और एग्जाम आइडिया का जो अगला स्टेप है वो हमने आज पूरा कर लिया है, और इस एग्जाम आइडिया के अंतर्गत हमने जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। इस लॉस्ट स्प्रिंग को हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चंस हमने आज अटेम्प्ट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं, इनके आंसर्स, इनके क्वेश्चंस, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स हैं, जो भी आपको आज इस वीडियोज के द्वारा आप तक जो पहुँचाने का हमने प्रयास किया है वो आपको समझ आया है, यही हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप, अगर ये वीडियो आपकी समझ आया है, वास्तव में अगर ये समझ आया है, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपको इस जितने क्वेश्चंस कराए गए इसमें किसी वर्ड्स की या कोई वर्ड है जिसकी आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो आपकी समझ नहीं आया है, या कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, या ऐसा लगता है कि कोई कोई नया क्वेश्चन है जो लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें कमेंट के द्वारा हम तक ज़रूर उसको फॉरवर्ड करें, और हम आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायत है, जो भी आपकी क्वेरी है, हम तुरंत उसको अपनी तरफ से सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में, अगले स्टेप में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आइडिया के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए।